इस बात को। नेटवर्क यस, सो वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। वी विल स्टार्ट अवर क्लास बाय चैंटिंग ओंकारम। सो जॉइन योर हैंड्स। साईराम, साईराम मैम। यस, सो फर्स्ट वी विल सी द वीडियो, ओके, देन वी विल डिस्कस। वॉच द वीडियो केयरफुली। आर यू रेडी? यस मैम। आयुषी एंड कुशाग्र? यस मैम। इज इट विजिबल बेटा? यस मैम। विजिबल मैम। यस मैम। बेटा स्क्रीन इज विजिबल? आयुषी? यस मैम। ओके, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो नीता। देखो, मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखने को दिया। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। आयुषी, वॉइस इज कमिंग? यस मैम। यस यस मैम। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो ना? अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपने दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। खाली रख, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारे स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा
स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहाँ किसी का जहर ना जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले क्या सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल न आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। हम छात्रों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनिता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई और प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों, कृपया डरे मत, हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मैम। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहाँ बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भयमुक्त व जीवंत शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। ये समझ में आया आपको वीडियो बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा। मैम बहुत अच्छा। बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ। ओके। नहीं। नाउ वी आर कमिंग टू द ओरल टेस्ट। आज किस चीज का हम देने वाले हैं? मैम गिनती का। हिंदी गिनती। हिंदी गिनती। गिनती। ओके। सो बेटा, कैन यू म्यूट योर माइक्स? ओके मैम। सो आई विल कॉल वन बाय वन, राइट? अभी मैम एक बार चेक कर रही है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल का टेस्ट किस किस का रह गया है। अगर वो प्रेजेंट हो तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चेष्टा इज प्रेजेंट? नो। मानसी? यस मैम। Yesterday you were absent, beta? No, ma'am. आपका टेस्ट नहीं हुआ फिर मल्टीप्लीकेशन टेबल का? आप सुनाइए, एट का टेस्ट कल हो गया था आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am, हो गया था। कल हो गया था आपका? ओके। Yes, ma'am. माधव?
माधव शर्मा मैम आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल का हो गया बेटा? यस मैम। ओके पायल सैनी इज प्रेजेंट? नो। शैलेन बोरिया? नो। ओके अब हम काउंटिंग के लिए आ रहे हैं। अंश मीना बेटा एक वन मिनट वन इंस्ट्रक्शन इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू व्हेन आई एम आस्किंग और व्हेन आई एम कॉलिंग योर नेम प्लीज ओपन योर वीडियो ऑन करके रखना है वीडियो तब बोलना है। मैम एक एक बच्चे को एक ही चीज नहीं बोलेगी जिसकी टर्न आ रही है वो अपना वीडियो ऑन रखेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके अंश मीना यस मैम यस मैम नो बेटा वेट 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 मैं जो बोलूंगी वो बताना आपको। 11 से 20 तक आप सुनाइए हिंदी की गिनती। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर से एक बार बोलो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वेरी गुड। अब मैं जो पूछूंगी उसका आंसर देना है। yes, 23 को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। 25 को 25 वेरी गुड बेटा। ओके अर्जुन यस मैम 21 to 30 बेटा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ओके 11 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 11 ओके 18 को 18 ओके 26 को 26 ओके वेल डन बेटा। नाउ अनुराग जैन Andrew Jain, no is but a video on karo apna. Beta itna time waste nahi karna hai aapko ma'am ka. Okay. 11 से 20 तक हिंदी की गिनती सुनाइए आप। 11, 12, 13, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 21 बोलते हैं बेटा 21 को। 26 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 21 to 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 वेरी गुड। 12 को क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? 12 18 को 18 वेरी गुड। अथर्व वर्मा Yeah, ma'am. 11 to 20.
ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। ओके, नाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नौ। सेवन को? सात। सिक्स को? छह। वेरी गुड। आयुषी? यस मैम। वीडियो ऑन करो बेटा। ट्वेंटी वन थर्टी। इकतीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस ट्वेंटी। यस मैम। बेटा ट्वेंटी वन टू थर्टी बोलो। हाँ आप रुको, मैं बीच में मैं सुन रही हूँ। बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। 14 को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? 24। 14 14 को? अच्छा 14। 17 को? 17। ओके 22 को? 32। नो, 22 को 32 नहीं बोलते बेटा। ओके देवादित्य। यस मैम। 11 टू 20 हिंदी की गिनती सुनाओ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बीस। ओके 23 को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? 23। 27 को? 27। इतना टाइम नहीं लेना है, फटाक से आंसर करना है। 14 को क्या बोलते हैं? मैम 14। 17 को? मैम 17। यस देवांशी। यस मैम। 11 से 20 तक हिंदी की गिनती बताओ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। 22 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 22। 26 को? 26। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। 29। 29। 14 को? 14। ओके दिशा। यस मैम। 21 से 30 तक सुना बेटा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 12 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 12। 15 को? क्या मैम? 15 को? 15। ओके 19 को? 19। ओके गुड। दिव्यांश। यस मैम। 21 टू 30। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। 12 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 12। 17 को? 17। 27 को? 27। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, फास्ट होना चाहिए। 29 को?
29 Yes, Garvit. Yes, ma'am. 21 to 30 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ओके 11 को क्या बोलते हैं हिंदी में मैम 11 15 को 15 19 को 19 वेरी गुड थैंक यू मैम जो आपने एक्टिविटी का सेंड की है वो वाली एक्टिविटी नहीं है बेटा है? वो होमवर्क था यस मैम कविश यस मैम यस मैम 11 to 20 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 22 को हिंदी में क्या बोलते हैं क्या मैम 22 को हिंदी में क्या बोलते हैं मैम 22 को हिंदी वर्ड है 24 को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा 24 गुड 24 की 24 क्या बोलेंगे 26 को 26 15 को 15 गुड कुशाग्र हेलो मैम यस बेटा 21 to 30 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 12 को हिंदी में क्या बोलते हैं 12 17 को 17 19 19 गुड मास खान बेटा 11 से 20 तक की सुनाइए बेटा माइक को अनम्यूट करो आपकी आवाज नहीं आ रही है ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस वेरी गुड 21 को क्या बोलते हैं हिंदी में 21 27 को 27 बेटा सोच सोच के नहीं बताना पूरा गिन के फिर नहीं बताना 29 को 29 गुड माधव 21 to 30 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 21, 22, 23,
15 को 15, 19 को 19, गुड। मानसी मैम 21 to 30 बेटा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वेरी गुड। 11 को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मैम 11। गुड। 17 को 17। 16 16 को क्या बोलते हैं बेटा? 16। वेरी गुड। 16। वेरी गुड बेटा। पीहू? यस मैम। 11 से 20। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गुड। 25 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 25। 29 को?
25। बेटा इतना सोच के नहीं बताना है, इतना टाइम नहीं लेना है, फटाक से आंसर करना है। 23 को क्या बोलते हैं? 23। आपने लाइन से सीक्वेंस में सब लर्न किया हुआ है, बीच में से आप नहीं आंसर कर पा रहे हो। ऋषिका yes, ma'am। 21 से 30 हिंदी काउंटिंग सुनाइए। 21, 23, 22, 24, 25, 26, 27, 21, 23, 21 के बाद बेट 21 के बाद 23 आ जाता है सीधा। सॉरी मैम, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, 11 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 11। 15 को? 15। 19 को? 19। अब बेटा एक्टिविटी आपने सबमिट नहीं की अभी तक, कब करोगे सबमिट? मैम कौन सी एक्टिविटी? वेरी गुड बेटा, व्हाट्सएप पे डली हुई है, आप चेक कर लेना, ठीक है? 10 मार्क्स की एक्टिविटी है, अगर नहीं आए तो एक्टिविटी के मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। सानवी। यस मैम। बेटा 21 से 30 सुनाइए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वेरी गुड। 12 को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? 12। 15 को? 15। 19 को? 19। वेरी गुड। सम्राट। यस मैम। बेटा वीडियो ऑन करो, पाओगे क्या आप? यस बेटा, 11 से 20 तक आप सुनाइए हिंदी की काउंटिंग। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड। 22 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 22। 28 को? 28। 29 को? 29। 25 को? 25। वेरी गुड। शिवम। सायरा मैम। सायरा बेटा 21 टू 30 सुनाओ बेटा। 21, 22, 23, 26, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 12 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 12। 17 को? 17। 21 को? 21। 15 को? 15। गुड। शिवन्या। यस सर। साइडम मैम। साइडम बेटा 21 से 30 तक सुनाइए आप। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। वेरी गुड। 15 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 15। 18 को? 18। 12 को? 12। वेरी गुड। सिद्धार्थ। यस मैम। वीडियो ऑन करो बेटा। इलेवन से 20 तक सुनाइए हिंदी काउंटिंग। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, 22 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 22। ओके, 25 को? 25। 29 को?
22 को सोच सोच के बताना पड़ रहा है आपको ना। ओके स्नेहल। यस मैम। यस 21 टू 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 वेरी गुड। 11 को क्या बोलते हैं हम लोग? 11। 15 को? 15। 17 को? 17 को 27 नो 17 17 ओके। युवराज साइरा मैम। साइरा 21 से 30 तक सुनाइए बेटा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 वेरी गुड। 11 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 11। 16 को? 16। 18 को? 18। वेरी गुड। ओके सो एनीबडी इज लेफ्ट। अनंत वर्मा इज एब्सेंट टुडे। मैम मुझे नहीं मिल रहा व्हाट्सएप पे। मैम मुझे नहीं मिल रहा व्हाट्सएप पे। Yes, anybody is left for the Hindi counting? I think all have done. जो absent है उनका रह गया है। Okay बेटा। Yesterday's homework is done. Good. Done. Yes, ma'am. Ma'am, done. Birth certificate सबने अपना कर लिया? Birth certificate वाला काम किया? Yes, ma'am. Okay, अभी ma'am वही पूछती है कि किस किसने अपना birth certificate वाला homework किया है? Open page number. One zero one. Yes, Sanvi. Yes, ma'am. Birth certificate वाला homework कर लिया आपने? Yes, ma'am. Okay. Place of birth क्या है आपका? Place of birth Renukoti. Okay, show me your notebook. Book. Book ऐसे show करो तो मैम को दिख जाएगा। Okay, well done बेटा, very good, good. Thank you ma'am. Okay, Arjun. Yes ma'am. Show me your book, page number 101. Have you done the work? मैम बस रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद रहा। नहीं तो बेटा आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना, बताया था ना कि मम्मा से लेके आपको देखना है सारी चीजें इसमें। डिड यू आस्क टू योर मदर और फादर? घर में पूछा था आपने मम्मी पापा से किसी से?
No, ma'am. But ma'am told na, you should ask to your parents, then you have to fill. कंप्लीट करना है मम्मा से पूछ के टुमारो आई लास ओके यस दिव्यांश शो मी योर बुक पेज नंबर 101 कंप्लीटेड योर वर्क यस वेरी गुड वेल डन Garvit, Garvit, गायब ही हो जाता है भाई जब उसका नाम आता है तब वो बिल्कुल नहीं दिखता है क्लास में Garvit जैन कविश कविश वेरी गुड कुशाग्र कुशाग्र सिद्धार्थ यस मैम वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला मैम ओके आपको टाइम नहीं मिला बहुत बिजी हो बेटा आप कंप्लीट कर लेना हाँ टुमारो आई लास्ट स्नेहल कंप्लीटेड बेटा गुड वेरी गुड वेल डन बेटा सम्राट सम्राट जैन मैम Have you done your yesterday's homework? Yes, ma'am. Show me. Open your video. Video on करो कल का homework दिखाओ. Yes, ma'am. कौन सा video? Yes, better show me. Mom, time हो गया. मैम यस बेटा मैम हमारे में नेटवर्क चला गया था इसलिए होमवर्क क्या है कल का अभी दिखा रहा है सम्राट आपको पता चल जाएगा ये सम्राट शो मी पास बेटा मैंने दूसरे सब्जेक्ट का किया था बेटा मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ आपको तो मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ सॉरी मैम आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स यस मैम मैं कल करके ले आऊंगा कल कर दूंगा यस दिशा प्रजापति मैम जो आपने कल होमवर्क दिया था वो वाला मैम कर लिया दिशा प्रजापति मानसी कंप्लीटेड बेटा यस मैम यस मैम शो मी योर बुक बेटा पेज नंबर 101 वर्क कंप्लीट किया आपने मैम बर्थडे सर्टिफिकेट वाला नहीं किया बेटा कल लेना फिर कल टुमारो आई लास्ट ओके ओके पीहू पीहू इज नॉट देयर ओके युवराज यस मैम होमवर्क कंप्लीट हुआ बेटा आपका शो मी ओके वेरी गुड मैं बड़ा कैमरा वेल वेल डन बेटा वेरी गुड अथर्व वर्मा यस मैम
Yes, ma'am. Okay. So those have not completed, and tomorrow I'll see. Right? मैम मैंने भी कर लिया. Very good, Madhav. मैम मैंने भी किया है. मैंने भी कर लिया. Okay. Festivals वाला कर लिया. Which festival will come first and after? ये भी कर लिया. Yes, ma'am. Festival वाला भी था नहीं हमारा. Yes, ma'am. वो भी complete हो गया. Yes, ma'am. मीना का हो गया. Okay. आता वाला माँ का भी हो गया. अंशमीना फेस्टिवल वाला बताओ किस सीक्वेंस में डाले हैं फेस्टिवल्स लिखे हैं आपने. अंशमीना रीड करो फर्स्ट नंबर पे कौन सा फेस्टिवल लिखा है आपने. मैम शिवम रॉय बताए. ये शिवम रॉय आप बताइए. अंशमीना का भी समझ ही नहीं आ रहा उसको. कंबल पंगल पंगल. सेकंड नंबर ब्रूना. मैम सेकंड नंबर पे आयुषी बताए. यस बेटा गुरु बिदार बढ़ता. थर्ड मानसी नाउ. हाय वाओ. एम बिहू. ओके अथर्वना. फोर्थ नंबर मैम मैं बताऊं. यस देवांशी. मैम गांधी जयंती. फिफ्थ नंबर रक्षाबंधन गांधी जयंती के बाद आता है. मैम फिफ्थ बोला ना. हाँ फिफ्थ बोला मैंने. दिवाली है. आपको बोला था ना कि अपना कैलेंडर घर में लेके बैठना और उसमें से देखना है कि फर्स्ट नंबर पे जनवरी में कौन सा फेस्टिवल आता है इसमें से दिए हुए में. फेब में कौन सा आता है. मार्च में कौन सा आता है. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. रक्षाबंधन अगस्त में आता है तो वो पहले आएगा या गांधी जयंती पहले आएगी जो अक्टूबर में आती है. मैम मिलादुन नबी गांधी जयंती. मैम मिलादुन नबी. डू इट प्रॉपरली एंड टुमारो अगेन आई विल आस्क. ओके ओके मैम. ओके नाउ शांति पाठ. ओ शांति शांति शांति. सारा मैम थैंक यू मैम. बाय मैम. सारा मैम बाय मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. सारा मैम बाय मैम. ओके मैम. आयुषी कुछ काम है क्या. मैम आपने काम दिया है. आयुषी. यस मैम. फोटो क्लिक किया था बेटा आपने. यस मैम किया है. मैम आपने कुछ काम दिया था. मैं अभी कर दूंगी. मैम आपने कुछ काम दिया था. बेटा कब दिया था मैंने काम. मैम प्रोजेक्ट में क्या करना मुझे नहीं मिल रहा. ओके आई सेंड इट अगेन टुडे.